दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मानी स्किन केयर नगरोटा बगवा। वर्मानी स्किन केयर में लेजर मशीन द्वारा अनचाहे बालों से छुटकारा, हाइड्रा फेशियल मशीन एवं पीआरपी उपलब्ध है। इसके अलावा फुलबेरी के दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, झड़ते बाल, मुहांसों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। फुली इक्विप्ड लेजर सेंटर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर अल्ट्रा पल्स, जिससे मुहांसों के दाग, चिकन पॉक्स के दाग, चोट के दाग, सर्जरी के बाद के दाग का इलाज भी किया जाता है। वर्मानी स्किन केयर की सुविधा अब पालमपुर में भी उपलब्ध है। अपर बेसमेंट पालमपुर सिटी मॉल, हर वीरवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। रविवार को दयानंद मठ घंटरा के तत्वावधान में स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज के 142वें जन्मोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय गुरुकुल का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी सनानंद जी महाराज ने की, जिसमें केंद्रीय मंत्री आर्य समाज राकेश मेहरा, हिमाचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन व कांग्रेस मंडलाध्यक्ष ओम प्रकाश कटोच बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए और गुरुकुल का नींव पत्थर रखा। इस अवसर पर आचार्य बलविंदर शास्त्री ने बताया कि उक्त गुरुकुल का नाम स्वामी सर्वानंद गुरुकुल रखा गया है। वहीं मुख्य अतिथि ओम प्रकाश कटोच ने कहा कि भारतीय पुरातन संस्कृति, सभ्यता व वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान में ये गुरुकुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मठ की ओर से लंगर व्यवस्था भी की गई थी। गुरुवार लो पोस्ट फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, ऋषि दयानंद की ये भावना थी कि गुरुकुलों की स्थापना हो, ताकि गुरुकुलों के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए गुरुकुल की स्थापना की है। और गुरुकुल के माध्यम से ही हम शारीरिक उन्नति करने के लिए बच्चों को खेलों का विशेष प्रबंध किया जाए। हमने पहले भी वहाँ दयानंद मठ दीनानगर में गुरुकुल की स्थापना की। वहाँ के बच्चे जो गोल्ड मेडलिस्ट और खेलों के अंदर भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुलों का के अंदर भाग लेते हैं वो, और अच्छे बच्चे बनते हैं। जब तक हमारी शारीरिक उन्नति नहीं होगी, तब तक हमारा राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। बच्चे जहाँ पे पढ़ेंगे और हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपनी सभ्यता है, उसका प्रचार प्रसार होगा और बच्चे पढ़ करके बाहर इनको जो पूरी डिग्री देंगे, उससे रोजगार भी ले सकते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं।